वेलकम टू फ्लेवर्स बाय विनी। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट डिश जिसका नाम है बनाना पैनकेक। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। जिसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है और आधा कप मैंने लिया है गेहूं का आटा। यहाँ पे मैंने दो बनाना लिए हैं। जो बनाना है वो आपको ज्यादा पके हुए इस्तेमाल करने हैं, इससे क्या होगा हमारा पैनकेक बहुत अच्छा बनेगा। फिर मैंने लिया है एक ग्लास दूध, फिर मैंने ली है 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, या आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है नमक और ऑयल फॉर कुकिंग। तो आइए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं किड्स स्पेशल बनाना पैनकेक। अब सबसे पहले मैंने एक खाली बोल लिया है, इसमें मैं डालूंगी बनाना और मैं इसे एक मैशर की सहायता से मैश कर दूंगी। देखिए बनाना हमने अच्छे से मैश कर लिया है। ये ज्यादा पका हुआ हमने लिया था तो कितनी आसानी से ये अच्छे से मैश हो गया है। तो हमें इसी तरीके का बनाना मैश किया हुआ चाहिए। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं और अब हम एक खाली बोल लेंगे, इसमें अब हम अपने सारे ड्राई इंग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मैदा और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आटा, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी किसी भी चीनी, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर और इसको एक बार मिक्स कर दूंगी। मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं दूध थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक बैटर रेडी करूंगी। तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ सारा नहीं डालना है। हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। अगर आपको इसमें दूध कम लगे तो आप थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बनाना जो हमने मैश करके रखे हुए थे। और यहाँ पे मुझे अभी एक चीज याद दिलाई है मेरे बेटे ने, जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी और डालना नहीं चाह रही थी, बट इसमें जाएगा वनीला एसेंस, जो कि मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून, जो हमारे बनाना पैनकेक को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। तो इसे भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे आपके बनाना पैनकेक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है, कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और मैं इसके लिए ये कड़छी का यूज कर रही हूँ जो कि मुझे आसानी रहेगी पैनकेक बनाने में। तो आइए अब पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है जिसे गैस पे रख दिया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस ऑयल को मैं ब्रश की मदद से फैला दूंगी चारों तरफ और पैन हमारा गर्म है। अब मैं इसमें डालूंगी बैटर, एक बार बैटर को मैंने चला लिया। ये आप अपनी मर्जी से किसी भी साइज का बना सकते हैं, बट आई थिंक ये छोटे छोटे साइज की अच्छे लगते हैं। और मैं इसको अब ढक दूंगी और 2 से 4 मिनट तक पकने दूंगी, उसके बाद चेक करते हैं। आइए अब चेक करते हैं। देखिए हमारे बनाना पैनकेक पे हल्का हल्का बबल आ गया है, यानी ये नीचे से अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसे फ्लिप कर दूंगी। वाव कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं सेम इसको इसी तरीके से दोबारा से ढक दूंगी और इसको भी नीचे से पकने दूंगी 2 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद चेक करूंगी। आइए चेक करते हैं और इसको फ्लिप करके देखते हैं। फ्लेम आपको मीडियम टू लो रखना है। देखिए पैनकेक हमारा बन के रेडी हो चुका है, इसे हम एक बार और फ्लिप कर देंगे और इसको अब मैं एक प्लेट पे निकाल लूंगी। और इसी तरीके से अब मैं अपने बाकी के पैनकेक भी बना लूंगी। ये देखिए मैंने दूसरा पैनकेक भी डाला है पैन में
अब मैं इसको ढक दूंगी और 2 से 4 मिनट के बाद चेक करूंगी। आइए अब दूसरे पैनकेक को भी चेक करते हैं। देखिए कितने अच्छे से बबल आ गए हैं। इसे इसको फ्लिप कर देंगे तो ये हमारा अच्छे से देखो ऊपर की तरफ से अच्छे से पक गया है। अब हम इसे नीचे से भी ऐसे ही पका लेंगे। आप चाहें तो विदाउट लिड भी इसे बना सकते हैं। ये वाला मैं विदाउट लिड ही बनाती हूँ और आपको एक बार दिखाती हूँ। अब इसे हम एक बार और फ्लिप कर देंगे। बहुत ही बढ़िया पैनकेक हमारे बन के रेडी हो रहे हैं। इनको हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही। और इतने सॉफ्ट बन रहे हैं ना ये, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुँह में डालते ही ये मेल्ट हो जाएंगे और मन करेगा आपका खाते जाएं। तो चलिए इसी तरीके से मैं झटपट से सारे पैनकेक बना के रेडी कर लेती हूँ। हमारे बनाना पैनकेक बन के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे 8 बनाना पैनकेक बने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बड़े साइज के बनाए हैं। अगर आप छोटे साइज के बनाएंगे तो आपके 11 से 12 भी बन सकते हैं। तो आइए अब इसे जल्दी से सर्व करते हैं। हमारे सुपर डिलीशियस बनाना पैनकेक बन के रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही लाइट एंड फ्लफी बने हैं और बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। आप उन्हें इसे ब्रेकफास्ट में या एज अ इवनिंग स्नैक्स भी दे सकते हैं और टिफिन के लिए ये एक आइडियल रेसिपी है। यहाँ मैंने इसे बटर और हर्षी सिरप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो बच्चों को इस पे हनी भी डाल के दे सकते हैं या फिर ये मैपल सिरप के साथ भी खाया जाता है। तो होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।